स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती आ रही है उसमें जो 10+ ITI और या तो 10+ NSE वाले एलिजिबल हैं। ये तो मैंने पहले आपको कई बार क्लियर किया था नोटिफिकेशन में दिखा के मैंने, वो तो क्लियर है। और इसमें एक और दिक्कत आ रही है कि मतलब NCVT क्या है, NCVT जो उनका सिलेबस है, NCVT सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है सभी लोग को, और NCVT के रिकॉर्डिंग आपका जो अगली बार सिलेबस होगा टेक्निकल होगा नॉन टेक्निकल होगा, ये सब सारी चीज़ें क्वायरी हम बताएंगे जो रेलवे ग्रुप डी जी की नई भर्ती जो सितंबर में आने वाली है उसके लिए बताएंगे। और इसमें बताएंगे जो AITT कैंडिडेट पास हैं वो सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करेंगे अपनी, इसके बारे में आप ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल का सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमको कोई पैसा नहीं मिलता, केवल हमको मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसा वीडियो बनाने के लिए। अगर इस YouTube चैनल पर आप जानते हैं, क्योंकि इसमें अप्रेंटिस और ITI से संबंधित बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, और ये अप्रेंटिस से और ITI से संबंधित इस पर मैं बहुत सारा वीडियो लाता हूँ, जैसे ट्रेड अप्रेंटिस इन ऑर्नेस फैक्ट्री, ट्रेड अप्रेंटिस रेलवे, CCA इन रेलवे ट्रेड इसमें होता है, और आर्मी कोच फैक्ट्री और नेवी के जो वर्कशॉप होते हैं वहाँ से, और एयरफोर्स के वर्कशॉप से संबंधित बहुत सारे वीडियो ले आते हैं जहाँ अप्रेंटिस के लिए। तो इसमें अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम अब देरी नहीं करते हुए आपको टाइम बताते हैं कि ये कहाँ से डाउनलोड करना है। फाइनली आपको अगर NCVT का सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप NCVT का सिलेबस इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस वेबसाइट पर आ जाइएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता। ये DGT का ही वेबसाइट है। जो भी आप NCVT से जो आपका टेक्निकल पेपर होने वाला है या नॉन टेक्निकल पेपर हो रहा है उनके लिए, जो आपका ग्रुप डी में पेपर होगा वो नॉन टेक्निकल से हटकर अब टेक्निकल होने वाला है, जो अब नई भर्ती जो आने वाले हैं, तो उसके लिए फाइनली आपको क्या सिलेबस पढ़ना है इसके लिए यहाँ पर देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत सारा ट्रेड का नाम यहाँ नीचे दिखा रहेगा, जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर ये वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पर देख ही लीजिएगा, यहाँ पर ATS सिलेबस करके दिया है, यहाँ पर देख लीजिएगा स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, इस वाले पर, इस पर आपको यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यह सिलेबस का एक यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर ATS पर क्लिक कर दिया है, जैसे ATS पर क्लिक किया है तो बहुत सारा ट्रेड का नाम यहाँ पर नीचे आ जाएगा, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, क्योंकि ये फेक नहीं है, ये क्योंकि ये DGT की वेबसाइट है, ये जानते हैं, यही सिलेबस पूरा तैयार करता है NCVT का, जो आप AITT एग्ज़ाम पास करते हैं सभी सिलेबस यहीं से डिसाइड होता है। तो आप ये स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत सारा ट्रेड मिलेगा, देखिए एडवांस मैकेनिक, एडवांस वेल्डर, ऐसे बहुत सारा ट्रेड मिल जाएगा। ऐसे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ 1 से लेकर 5 तक कर सकते हैं, जैसे 2 पे करेंगे तो अगला पेज आ जाएगा, इसमें 40 तक था, तो आप नीचे जाएंगे तो आपको और अलग सा और ट्रेड मिल जाएगा। आप यहाँ पर ट्रेड के देख लीजिएगा, अपने रिकॉर्डिंग आप ट्रेड का जो आपका ट्रेड है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐसे आप यहाँ पर करेंगे 4 नंबर पे भी आ जाएंगे आप, बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड हैं, ये देख लीजिए, इसमें मैकेनिक मशीनिस्ट करके देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे तो वायर लाइन मैन है, ये स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लाइन मैन है, ग्राइंडिंग है, ये सब है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने नीचे आपको खसकरा है, बहुत सारा ट्रेड है, आप यहाँ पर जाओगे 5 पे करोगे तो पूरा टोटल आपको दिख जाएगा कितना ट्रेड है। आप यहाँ नीचे आएंगे तो ये देख लीजिएगा, स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, 209 ट्रेड का NCVT सिलेबस अनलेवल है, आप यहाँ से NCVT सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आने वाली नई भर्ती ग्रुप डी रेलवे की है उसमें अभी क्लियर नहीं है कि टेक्निकल पेपर होगा, मगर क्योंकि नोटिस जो आया है उसके अनुसार अगर देखा जाए कि जो रेलवे बोर्ड ने कहा है कि आप 10वीं के बाद वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे, 10वीं+ ITI या 10वीं+ NSE वाले ही अप्लाई कर देंगे, इसका मतलब यह हुआ कि अब सिलेबस पैटर्न में चेंजिंग कुछ होगा ही, क्योंकि इसके लिए आप टेक्निकल तैयार करना पड़ेगा आपको।
टेक्निकल तैयार करने के लिए आपको मैंने ये वेबसाइट बता दिया, आप इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ से इस वेबसाइट पे आपको पूरी यहाँ पर सिलेबस, जैसे आपको कोई सिलेबस डाउनलोड करना है, मैंने एक पर क्लिक किया, यहाँ पर जैसे टेलर पे क्लिक कर दिया, जो टेलर का है वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो आपको ये स्क्रीन पर दिखेगा, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, वो भी डाउनलोड हो रहा है। जैसे डाउनलोड होगा हम आपको स्क्रीन पर दिखाएँगे। और ये सिलेबस सभी के लिए है, आप जो भी AITT एग्जाम पास हैं वो इस सिलेबस को डाउनलोड करके यहाँ से अपना स्टडी कर। जैसे जैसे मैं यहाँ पर देखेंगे तो ये टेलर का है, यहाँ पर इमेज भी लगी है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ भाई, स्क्रीन पर देख लीजिएगा आप, यहाँ पर लिखा है अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम ATS, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद ये नीचे जाएंगे तो आपको देखिएगा ये यहाँ पर नीचे वो पूरा डिटेल भी लिखा हुआ है। जैसे आप इसको बड़ा करेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे सिलेबस आपका कहाँ से है, आपको हम मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आप कहाँ से पढ़ेंगे, आपका सिलेबस कहाँ से है। जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो आपको यहाँ पर करियर प्रोग्रेस पथ का ऑप्शन मिलेगा, इसको तो मैंने समझा दिया था। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको NCVT सिलेबस के बारे में बताया गया है, यहाँ पर ऐसे नीचे सरका के आप पढ़ सकते हैं, आप लोग इस वेबसाइट से अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छा से। यह DGT की तरफ से चलाया गया है वेबसाइट, इस पर सभी का सिलेबस इस पर मेंशन रहता है। और इसमें हम बताएंगे कि आपको जो मार्क्स कैसे जुड़ेगी NCVT का, वो हम बताएंगे NCVT मार्क्स कैसे जोड़ा जाता है, जो फाइनल मेरिट में CVT का, वो यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैंने आपको दिखा दिया है, आप स्क्रीन पर जैसे देख सकते हैं यहाँ से आपका ये सिलेबस स्टार्ट हो जाए गया है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको क्राइटेरिया बताया गया है, आप यहाँ से सिलेबस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप देख लीजिएगा आपको पूरा सिलेबस ये स्टार्ट हो गया। ये देख लीजिए सिलेबस जो यहाँ पर है आपका, यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो गया है। ऐसे आप सभी लोग अपना डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, यहाँ से स्क्रीन पर जाएंगे तो सिलेबस। और ऐसे आप दूसरे ट्रेड का भी डाउनलोड करना चाहें, जैसे बहुत सारा ट्रेड है, आप यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर टर्नर का डाउनलोड करना है तो आप टर्नर वाले पे क्लिक कर देंगे, ये वाला यहाँ पर देखेंगे, ये स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो टर्नर का सिलेबस डाउनलोड होगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये डाउनलोड हो रहा है, जैसे डाउनलोड होगा आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दूँगा, आप ऐसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं सिलेबस क्या है। ये NCVT सिलेबस यही है, इसी को AITT सिलेबस भी कहा जाता है। देख लीजिए ये टर्नर लिखा है और इसका इमेज भी छपा हुआ है, आप यहाँ पर अप्रेंटिस भी लिखा हुआ है, यही NCVT सिलेबस यही होता है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप फिर भी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यह सब ट्रेड आप यहाँ पर सिलेबस जाके पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर सब क्या, ऐसा इमेज भी दिखाएगा और ये सब लिखा रहता है। जैसे टर्नर 2018 में रिवाइज सिलेबस है, मैंने बताया था DGT आप कुछ सबके लिए बहुत सारा चेंजिंग कर रही है, सिलेबस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर रही है, इसलिए आप सिलेबस को टेक्निकल जो होने वाले एग्ज़ाम है आप उनको ध्यान में रखिए, क्योंकि रेलवे जो ग्रुप D की नई भर्ती आएगी उसमें टेक्निकल एग्ज़ाम होने वाले, अगर 10वीं के जो पास कैंडिडेट हैं वो नॉन टेक्निकल देंगे, जो IT 10+ ITI 10+ NSE वाले हैं उनको लिए टेक्निकल एग्जाम होने की संभावना है। कोई ऑफिशियल अभी नोटिस इसका नहीं आया है, 2019 में जो एग्ज़ाम होगा उनमें नॉन टेक्निकल ही होगा, जो जुलाई में होने वाला है। आप सबके लिए जो नया आने वाला है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ग्रुप D के नए एग्ज़ाम के लिए उसमें आपका टेक्निकल एग्ज़ाम होगा। और मैं इसमें बता दूँ आपको कि जो आपका जो सिलेबस कैसे बनेगा मेरिट जो NCVT का होता है, तो आप जैसे AITT में जितना नंबर पाए हैं उसी के आधार पर सिलेबस का आपका मेरिट बनेगा। जैसे आपने आपका बहुत लोग का 520 का पूर्णांक है, बहुत लोग का 400 का पूर्णांक है, बहुत लोग का 570 का पूर्णांक है, तो जो इतने में से जितना पाया भी होगा, जितना भी पाया होगा, जैसे इसमें 500 से 390 पाया है तो इसका कितना परसेंटेज बनेगा वो निकाला जाएगा। जैसे आपने 520 में से आपने 390 पाया तो इसका परसेंटेज निकाला जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो इसका परसेंटेज ये कट पिट के आपका बन जाएगा 75%। 75% का 1/3 लिया जाएगा, 75% आपका आया तो इसका 1/3 लिया जाएगा, 75% का 1/3 करेंगे तो आपका 25 नंबर आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे ये 25 नंबर जो आएगा वो 25 नंबर प्लस आपका CVT एग्ज़ाम, मतलब जो आपका NCVT का 1/3 होगा प्लस आपका CVT का जो आपका जो CVT एग्ज़ाम होगा उसका मेरिट बनाया जाएगा CVT का।
उसके आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। मतलब आप NCVT प्लस आपका CVT दोनों का मेरिट बना के आपको फाइनल मेरिट बनाइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन पर ही बुला लिया जाएगा, जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया उसी पर बुलाया जाएगा। तो आपका जो 75% बना था, जैसे एग्जांपल में मैंने बताया था कि आपका अगर किसी का 75% बना है तो उसका 1/3 करेंगे तो 25 नंबर आता है ना, तो ये 25 नंबर आपको प्लस आपको CVT एग्जाम जो होगा उसमें आपको 5 नंबर पा जाएंगे तब भी आपका 30 नंबर हो जाता है। ये OBC और SC ST के लिए है, SC ST के लिए है, और जो OBR जनरल के हैं उनके लिए 15 लाना पड़ेगा। 15 ला देंगे तो आपका ये आपका हो जाएगा 40 नंबर, तो आप 40 नंबर पा जाएंगे तो आपका ये CVT में जो आपको फाइनल मेरिट बनेगा आप इसमें ले लिया जाएगा। ऐसा अभी ऑफिशियल एंथेटिक जानकारी नहीं मिली, मगर तब भी अगर ऐसा होगा तो आप लोग को इसी तरीके से मार्क्स निकलेगा, क्योंकि सभी का परसेंटेज पुलांक अलग अलग है। जो IIT का एग्ज़ाम दिए हैं सभी लोगों का पुलांक अलग अलग है, इसी वजह से उनका जो डिसीजन है वो समझ सकते हैं। इसी आधार पर आप नॉन टेक्निकल और टेक्निकल तैयारी दोनों करें, क्योंकि जो आने वाले समय में आपका सिलेबस में चेंजेस किया गया उसी आधार पर आपको टेक्निकल एग्ज़ाम में लिया जाएगा। अगर टेक्निकल एग्ज़ाम होता है तो आपको टेक्निकल में तो आपको 75 कन्फर्म है, तो आपका इस तरीके से क्राइटेरिया रखा जाए, 75 आपका टेक्निकल होगा टेक्निकल, और 25 आपका नॉन टेक्निकल होगा नॉन टेक्निकल। या तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि 80 क्वेश्चन आपका टेक्निकल होगा, ये टेक्निकल हो जाएगा टेक्निकल, और 20 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल होगा नॉन टेक्निकल। इसमें आप इसको देख सकते हैं और इसके हिसाब से आपको तैयारी करना। जैसे ही अपडेट आपको मिलेगा फाइनली आपसे रेलवे की वेबसाइट पे जैसे आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर, क्योंकि मैंने आपको पहले एक नोटिस दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप जो भी भर्ती आएगी उसमें 10+ ITI मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी या 10+ NSE रहेगी, वो मैंने आपको RRB की वेबसाइट पर दिखाया था। वो आप यहाँ से जाएंगे तो आपको RRB की वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट है, इस पर भी पढ़िए और सभी रेलवे की वेबसाइटों पर पढ़िए। ये वाले नोटिस के बारे में मैंने समझाया था, बहुत ज़्यादा आप लोग देखे होंगे इस नोटिस के बारे में, जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, यह देख लीजिएगा, यहाँ पर मेंशन किया है कि जो 5/6/2019 के बाद से जो पेपर होगी रेलवे ग्रुप डी के नई भर्ती में, उनमें या तो 10+ ITI नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होगा या 10+ ITI होगा। मतलब अब 10वीं पास वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर ये सक्सेस हो गया, इसका विरोध नहीं हुआ, तो आप सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी रेलवे में नौकरी करने के लिए। फिलहाल ये 2018-19 में इंप्लीमेंट होने वाला था, मगर उस समय हो नहीं पाया था क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा आंदोलन शुरू हो गया था। इसको देखते हुए सरकार ने इस पर फिर चेंजिंग कर दिया था, तो सरकार ने उस समय रेलवे मिनिस्ट्री जो थी उस समय ने पीयूष गोयल थे उन्होंने कहा था कि इसको हटा लिया गया था। उस समय मंत्री पीयूष गोयल थे रेलवे मंत्री, तो उस समय चेंजिंग कर लिया गया था। फिलहाल अब फाइनली नोटिस उस पर रेलवे की वेबसाइट पे आ गया है कि अब मैंने 2018 और 19 में ही चेंजिंग किया है, आगे इन पर यही जो नोटिस मैंने भेजा है वही वाला लागू हो गया। रेलवे ने अपनी सफाई सभी जो समाचार पेपर होते हैं उन पर न्यूज़ पर सब पब्लिश कर दिया है और अपने वेबसाइट पर भी पब्लिश कर दिया है। ये यहाँ पर देखेंगे 18 और 19 में दिया है कि मैंने ये जो टेम्परेरी इंगेजमेंट किया था उसको हटा दिया है, अब जो नई वैकेंसी आएगी उसमें इंप्लीमेंट रहेगा। तो आशा है सभी क्वेरी आपको समझ में आ गई। अगर फिर भी कोई जानकारी चाहिए, अगर कोई भी इसको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बेहिचक कमेंट कीजिएगा सारी चीज़ों। और बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर मैं AITT 10 में एग्ज़ाम में पास किया हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो उनके लिए भाई जब तक मोडिफिकेशन लिंक आएगा तो कोई हम आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। अगर जब भी कोई मोडिफिकेशन लिंक आएगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन करेंगे। 111 का भी है और 10 में ए और बी हैं। और जो और एक क्वारी और आया था कि जो 109 में AITT एग्जाम पास किया है उसके लिए आया था, आप उसके लिए मैं बता, जो 110 के लिए है, 10 के लिए अगर आपका पेपर जिनका AITT में एग्ज़ाम में सम्मिलित जो एग्ज़ाम AITT का एग्ज़ाम डेट होता है, AITT का जो एग्ज़ाम डेट होता है
इसको ध्यान से आप सुन लीजिएगा, जिसका AITT एग्ज़ाम डेट होता है 12/4/2019 से पहले जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो उसको 100% 20% कोटा का लाभ मिलेगा। ये तो जान लो कन्फर्म है, उसको 20% कोटा का लाभ 19 वाले में मिलेगा, जिसका इस डेट से अंदर में जिन्होंने एग्ज़ाम में सम्मिलित हुआ है, भले रिजल्ट ना आया हो, रिजल्ट से इसमें कोई समस्या नहीं है, रिजल्ट आपकी ज्वाइनिंग समय तो आ ही जाएगा, मगर जिन्होंने इस 12/4/2019 से पहले अगर उन्होंने उनका सर्टिफिकेट आ गया है या सर्टिफिकेट आया है या नहीं आया है, तो उसमें जिनका एग्ज़ाम डेट आ गया है, एग्ज़ाम डेट में परीक्षा में बैठ गए थे, वह उन्हीं को जो अप्रैल 2019 में AITT का एग्ज़ाम हुआ था, अगर उनका डेट अप्रैल 2019 में हुआ तो उनका अगर रिजल्ट अप्रैल वालों के लिए जो 2019 में उनका एग्ज़ाम हुआ था, अगर उनका डेट इस 12/4/2019 से पहले पड़ा होगा तो उनको लाभ ज़रूर मिलेगा। यह DGT के तरफ से उनके तरफ से नोटिस है, रेलवे बोर्ड के तरफ विज्ञापन में उन्होंने प्रकाशित किया है, वो विज्ञापन में भी आपको दिखा दूंगा, वहाँ पर देख लीजिएगा, यह विज्ञापन है, ये मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ 2019 के है, इसमें भी मेंशन किया गया वो चीज़ आपको मैं नीचे दिखा रहा हूँ, आपको 12 नंबर पैरा पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेहिचक कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। फिर आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे क्वायरी कलेक्ट करके आपके लिए लाता हूँ इस YouTube चैनल पर। तो आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता, हमको केवल मोटिवेशन मिलता है कि हम इस तरह के वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो आप लोग को प्रोवाइड हो रही है। यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर पर, यहाँ पर मेंशन किया गया, ये स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है ये वाला लाइन, 12/4/19 से पूर्व आपका अगर AITT एग्ज़ाम में अगर सम्मिलित हुए हैं ये, तो आपका 20% कोटा कंफर्म है, मतलब जो 108 और 109 के हैं इनको तो हमें लग रहा कन्फर्म है, अगर इनका डेट इससे पहले है तो ये समझ लो, मान लो इनको 20% कोटा मिलेगा, 108 और 109 इनको 20% कोटा का लाभ मिलेगा, 108 109, और जो जिनको नहीं मिल रहा है वो आने वाले टेक्निकल सिलेबस जो मैंने बताया उसको पढ़ लीजिएगा, और मैंने मेरिट बनने का तरीका भी बताया है कि हो उसको भी आप देख लीजिएगा, उसमें जो मेरिट बनेगा CBT प्लस आपका जो NCVT सिलेबस है उसके आधार पर बनेगा, उसकी NCVT सिलेबस में जो आपका जो मार्क्स आया है उसी के आधार पर बनेगा, और जो आप टेक्निक ये CBT जो एग्ज़ाम होगा 2019 वाले में उनका पैटर्न चेंज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वो सिलेबस आपका चेंज होने वाला है, आप इसको अपने ट्रेड के रिकॉर्डिंग NCVT सिलेबस DGT की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से भी उस वेबसाइट पर जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फिर भी कोई क्वारी है तो आप हमें बेहिचक कमेंट कीजिएगा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दे ताकि हर भाई को भी इस बारे में पता चल सके कि रेलवे का जो नई भर्ती आ रही है उसका पैटर्न चेंज होने वाला है, उसका सिलेबस टेक्निकल होने वाला है, अगर 10वीं को हटा दिया जाएगा तो आपका सिलेबस में 100% ये है कि आपके वो सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होने वाला है, सिलेबस पैटर्न में परिवर्तन ही होगा, क्योंकि मैंने अभी तक जो सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है वो यही संकेत है, जो आने वाली है उसमें सिलेबस बदल जाए, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यही होता है, उनका पैटर्न टेक्निकल होता है और नेवी का भी पैटर्न टेक्निकल है, तो अब रेलवे ऐसा फाइनली वो भी अपने पैटर्न में परिवर्तन करने वाली है, आप लोग श्योर हो जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, धन्यवाद। अगर आपको फिर भी कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोग के लिए, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपकी क्वारी का जवाब देंगे, धन्यवाद।